वायरस महामारी के बीच भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने 13 घंटे में 17 बैठकें करके उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। आपको बता दें, उपचुनाव संचालन समिति की बैठक में जो तय किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में जो अपमान हुआ उसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए ताकि ग्वालियर चंबल में उसे भुनाया जा सके। इसके साथ ही बैठक में तय किया गया है उपचुनाव को शिवराज वर्सेज कमलनाथ किया जाए। इस बैठक में तय किया गया है उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के कामों की तुलना की जाएगी। कोरोना संकट के समय मजदूरों को मिला रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। चुनाव संचालन समिति में ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है जिनकी सीटें इस चुनाव में हाथ से जा रही हैं। दीपक जोशी, लाल सिंह आर्य, नारायण सिंह कुशवाहा, माया सिंह, अनूप मिश्रा शामिल हैं। ये सभी नेता इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में ये भी कहा गया है मंत्री विधायक पद छोड़कर भाजपा की सरकार बनाने वाले 22 पूर्व विधायकों के साथ क्षेत्र में तालमेल बनाकर काम करें। उनकी जीत ही भाजपा की जीत होगी, सरकार का भविष्य तय करेगी। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। सिंधिया कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जल्द ही हॉस्पिटल से सिंधिया को छुट्टी मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हैं। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।